रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वफाकी निज़ामत तालीमात इस्लामाबाद को अपने अदारे के लिए वैकेंसीज दरखा रहे हैं। इन असामियों के लिए आप कैपिटल टेरिटोरी ICT का डोमिसाइल रखने वाले जो उम्मीदवार हैं वो इन असामियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कौन कौन सी असामी है, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, आखिरी तारीख क्या है, जानने से पहले अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद जॉब्स के मुतालिक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और हमारी टीम की भी हौसला अफजाई होती रही। डियर फ्रेंड्स, ये दर्जा चार की असामियाँ हैं। इन असामियों में माली है जिसका बेसिक स्केल 1 है, जिसकी असामियों की तादाद 40 है। आप जींस जो है मर्द हजरात इस असामियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल लोकल बुनियाद पर इस्लामाबाद का होना चाहिए। आपकी उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास होना चाहिए। खाक रूप के लिए बेसिक स्केल 1 है, इसके लिए 120 असामियाँ हैं। मर्द और ख्वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। उम्र जो है 18 से 25 साल तक होनी चाहिए, प्राइमरी पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए बेसिक स्केल 1 है, 74 पोस्टें इनके लिए हैं और मर्द हजरात इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद डोमिसाइल रखने वाले मर्द हजरात अप्लाई करें। उम्र की याद 18 से 25 साल है, प्राइमरी पास होना चाहिए। अहम हदायात और अप्लाई करने का तरीक़ाकार ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म वफाकी निज़ाम तालीमात की वेबसाइट carrier.fde.gov.pe का मौजूद है। तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवाई जा जाएँ। वज़ीर डाक हाथ से लिखी दरख्वास्त या दरख्वास्त फार्म की ख्वानदा नकल हार्ड कापी पर लिखी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म में फ्राहम करदा मालूमात की सदाकत को यकीनी बनाना होगा। ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म में दर्ज मालूमात को हतमी समझा जाएगा। फ्राहम करदा मालूमात अगर किसी भी मरहले पर गलत साबित हुई तो उम्मीदवारों को नाअहल कर दिया जाएगा और मुलाजमत हासिल कर लेने के इस सूरत में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। नामकमल और तारीख से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। दरख्वास्त देते वक्त दरख्वास्त दहिंदगान को ऑनलाइन दरख्वास्त की ख्वानदगी नकल हार्ड कापी जो है भेजने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एल और मुंतखब करदा शॉर्ट डिस्म उम्मीदवारों को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए शार्ट लिस्ट की जगह दरख्वास्त दहिंदगान इंटरव्यू के वक्त कौमी शनाती कार्ड, डोमिसाइल, तालीमी सर्टिफिकेट की असल और एक अदद तस्दीक शुदा नकुल और दस्तखत शुदा दरख्वास्त की ख्वानदगी नकल हार्ड कापी अमराज लाएंगे। टेस्ट इंटरव्यू के लिए कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा और इन उम्मीदवारों को कोई TA/DA भी नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू के मुकाम के साथ बुध 1 जून 2022 को वफाकी निज़ामत तालीमात की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को SMS अलर्ट और फार्म में दर्ज शुदा ईमेल के ज़रिए से अतला भी जारी की जाएगी। वफाकी निज़ाम तालीमात गलत फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस या नेटवर्क केयर के मसाइल या किसी दूसरी तकनीकी मसाइल की वजह से SMS ईमेल इतला की अदम वसूली की के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारी है कि वो चौकस रहें और अपने इंटरव्यू का शेड्यूल चेक करते रहें और वफाकी निज़ाम तालीमात की वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक इंटरव्यू के लिए हाज़िर हों। टेस्ट इंटरव्यू का आगाज़ मुतवक्का तौर पर जून 2022 के दूसरे हफ्ते से कर दिया जाएगा। दरख्वास्त दहिंदगान एक से ज़्यादा असामियों के लिए अलग अलग ऑनलाइन दरख्वास्तें देंगे। कवायद के मुताबिक उम्र की हद में 5 साल की अमूमी छूट। मजीद बरहान वफाकी हुकूमत के कवायद के मुताबिक उम्र की हद में कोई भी दूसरी रियायत दी जा सकती है। दरख्वास्त दहिंदगान जो पहले से सरकारी मुलाजम हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपना NOC इंटरव्यू के वक्त लाना लाजमी है। महकमा असामियों की तादाद में कमी पेशी करने का हक महफूज रखता है। दरख्वास्तें देने की आखिरी तारीख जुम्मा 13 मई 2022 है। मजाज अथॉरिटी दर्जा बाला असामियों पर किसी भी तादाद में भर्ती करने या ना करने का अख्तियार रखती है। मजीद मालूमात के लिए आप फ़ोन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 0519260281। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।